गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माई चैनल आफ्टर सो मैनी डेज। और आज मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ यार, 6 दिन के बाद फाइनली आज मेरी ब्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है। और मैं अभी हूँ किचन में, और किचन देख के आप समझ गए होंगे मैं नोएडा आ चुकी हूँ। मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो रही है, तो मैं अभी बना रही हूँ अपने लिए मैगी, क्योंकि मुझे ना भूख लग रही है, तो मुझे इंस्टेंटली कुछ खाने के लिए चाहिए। सो मैगी बन रही है यहाँ पे। मैं सुबह लेकर आई थी दूध 2 पैकेट, तो वो मैंने बॉयल होने के रखा है, मैंने तब से ना फ्रिज में रख दिया था, कि मैंने आके थोड़ा सा रेस्ट किया था। मैं आज मॉर्निंग में आ गई थी, हम लोग आ गए थे 12 बजे, 12 बजे नहीं 1 बजे तक हम लोग यहाँ पर आ गए थे घर पर। तो आके मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर मैं और मार्केट गए, थोड़ा बहुत कुछ सामान लेकर आए, क्योंकि वेजीज बिल्कुल नहीं थी, दूध बिल्कुल नहीं था, तो वो थोड़ा सा कुछ सामान लेकर आए, ब्रेड है, वेजीज हैं, दूध है, ये सब लेकर आए। फिर हम लोगों ने खाया लंच, और लंच में हम लोगों ने खाई थी आज खिचड़ी। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ा सा सामान वामान इधर उधर उठा के रखा, एंड वरुण अपना तब से ऑफिस का कुछ काम वाम कर रहा है रूम में। और अभी हो गई है शाम, मेरा मन कर रहा था कुछ खाने के लिए, तो मैंने सोचा कि अपने लिए मैगी बनाती हूँ, दूध रखा तो उसे बॉइल कर देती हूँ। और आज मैंने पहना हुआ है ये वाला नाइट सूट जो मैंने मंगाया था ज़िवामे से, बहुत ही क्यूट टाइप नाइट सूट है। इसकी जो स्लीव्स है ना, वो इस टाइप की है, मतलब इस वाले मौसम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस पर लगा हुआ है पीस लव जॉय, और इसका जो लोअर है ना वो भी ब्राउन कलर का है, इसका भी पीस लव एंड जॉय है पूरे में। तो मैं आपको इसका फुल एक बार लुक दिखा दूंगी, और इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत सही नाइट सूट है, और बहुत ही ना मैंने थोड़ा सा लूज लिया है, क्योंकि नाइट वेयर जो होता है ना, वो थोड़ा सा लूज एंड कम्फर्ट जोन वाले अच्छा लगता है। अगर आप बहुत टाइट ले लेंगे ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने कितना लूज है और कितना अच्छा लग रहा है सुबह के लिए। और पता है मेरे ना भी इस जगह बहुत ज्यादा पेन हो रहा है सिर में, क्योंकि मैंने ना बाल ऐसे टाई किए हुए थे, तो टाई करने के बाद ना मेरे कभी कभी ऐसे पेन हो जाता है, सिर्फ पोनी बना लो तो यहाँ पे पेन हो जाता है, एंड यहाँ पे हो रहा है इस टाइम, तो मैं ना बहुत ज्यादा टाई नहीं कर सकती हूँ। मुझे जाता है ना कि अगर आप ज्यादा खुले बाल रखते हो तो फिर आप पोनी कर लो तो फिर वो हेड एक स्टार्ट हो जाता है, तो वही चीज हो रही है मेरे साथ। बड़ी टेस्टी वाली मैगी बन गई, मैं बहुत दिनों के बाद मैगी खा रही हूँ। बहुत मतलब यहाँ पर जब थी तो लास्ट टाइम खा के गई थी, वहां पर मैगी वैगी कुछ नहीं खाई थी, और इतने दिनों से मेरा कोई ब्लॉग भी नहीं आ पा रहा था यार। क्यों नहीं आ रहा था, बेसिकली क्या हुआ था कि हम लोग जिस दिन वृंदावन से आए थे, उसके नेक्स्ट डे हम लोग 4 तारीख को वृंदावन से लौट गए थे रात में, और 5 तारीख को मैंने एनिवर्सरी में गई थी मौसी के, आप लोगों ने देखा था। फिर 6 तारीख की मॉर्निंग में मैं अपने घर चली गई थी वहां, देन मैं 2 दिन वहां रुकी, वहां पर मैंने थोड़ा सा ब्लॉग शूट किया है, वहां पे थी फूलों वाली होली, तो मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगी वो। तो चलो चलते हैं मंदिर पे। और पता है मैंने क्या किया, मैंने ना कपड़े चेंज कर लिए, क्यों एक मिनट बताती हूँ। यार पता है मेरा ना नेट खत्म हो गया है इस वाले फ़ोन का, तो मैं इससे हॉटस्पॉट से वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रही थी, बट नहीं हो पा रही। हाँ सो मैंने ना कपड़े चेंज करे, मैंने ये पहन लिया फुल स्लीव्स। इतनी बारिश हो रही है बाहर, इतनी ठंडी हो गई है मैन, क्या यार क्यों बहुत बारिश बारिश। तो मैंने वाला सिर्फ मैं एक वूलन लेकर आई थी, क्योंकि जब मैं पैकिंग कर रही थी मैंने वूलन रखे 3-4 बार, उन्होंने इतना हंस रहे यार तू गर्मी हो गई तो वूलन रख रही हो, वूलन रख रही हो, तो मैंने ना एक ही रखा। फिर उन्होंने कहा चल ठीक है एक रख लेती हूँ, तो मैंने यही पहन लिया, सिर्फ एक यही चीज़ है जो मेरे पास वूलन और फुल स्लीव्स है, बाकी सब 1/4 और ये सब कुर्ते उड़ते हैं। तो जीन्स वाली पहनी रखी थी मैंने सुबह, यही पहनी थी, और ये वाली जीन्स मेरी पैंटालून्स वाली जो मैं लेकर आई थी, 2 लाइट ब्लू, एक लाइट ब्लू एक डार्क ब्लू। सो आज मैंने ये फर्स्ट टाइम पहनी है लाइट स्काई ब्लू, उसका टैग इवन सुबह हटाया। मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, शाम जैसा मौसम हो गया है, दोपहर से ही शाम हो गई है, बारिश बारिश, कल रात में ओले पड़े हैं, इतनी बारिश लिटरली यार, प्लीज कमेंट करो कहाँ कहाँ इतनी बारिश हो रही है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ठंड मुझे बहुत लग रही है। तो मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, वैसे ना अभी ढोलक वाले गीत हो रहे हैं मंदिर पर, आवाज़ आ रही है, आपको आ रही है क्या, ढोलक बजने की शायद आ रही होगी। सो एक बार चलो चलते हैं, देखते हैं फिर डांस वांस क्या होगा, क्या प्रोग्राम होने वाला है, लेट्स गो, आई एम सो एक्साइटेड। और मैं आपसे कुछ कह रही थी ना कि मेरा थोड़ा टाइम पहले मैंने आपसे बताया था कि मेरा कुछ घर डेकोरेशन का सामान मैंने ऑर्डर किया है अमेजोन से, वो आने वाला है, तो वो कुछ सामान आ चुका है, 1, 2, 3, 4, 5 चीज़ आ चुकी हैं, अभी शायद 1-2 चीज़ और आएंगी, सो मैं जल्दी से आपके साथ हॉल शेयर करूँगी उसका, ठीक है अभी तो चलते हैं पहले।
देन फिर 7 तारीख को वहीं पर रही मैं। 8 तारीख 7 तारीख की शाम को वरुण आ गए थे। हाँ 7 तारीख की शाम को वरुण मेरे घर आ गए थे। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा डॉक्टर से कंसर्न किया कि मेरे को ना मैंने आपको बताया था ब्लोटिंग हो रही है एंड थोड़ा सा पेन हो रहा है मेरे स्टमक में, तो वो मैंने कंसर्न किया। फिर एक्सरे कराया, अल्ट्रासाउंड के लिए हम लोगों ने मतलब 7 तारीख की शाम को हम लोगों ने डॉक्टर से कंसर्न किया था। देन 8 तारीख का था वुमेन्स डे और मेरा बर्थडे, और संडे भी था आई थिंक। हाँ संडे था, क्योंकि फिर 9 तारीख को हम लोगों ने फिर डॉक्टर से ना अल्ट्रासाउंड कराया था। तो 8 तारीख को हमारा हो रहा था कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था। 8 तारीख की मॉर्निंग को मैं अपने इन-लॉज के घर आई थी, मैं और वरुण दोनों, और फिर हम लोगों ने सब बर्थडे सेलिब्रेशन किया। देन हमारी जो सोसाइटी है ना वहाँ भी होली का थोड़ा सा प्रोग्राम था, तो हम लोग बाहर चले गए। मैं और वरुण थोड़ा सा उसका कोई शूट ही नहीं हो पाया यार, क्योंकि हम लोग ना बहुत ही मतलब ऐसे गए थे, ऐसे कुछ बर्थडे सेलिब्रेट हम लोगों ने वैसा नहीं किया था। हम लोग बड़े कूल होके एंड चिल होके घूमने फिरने खाने पीने दोनों गए थे, तो वो कोई शूट ही नहीं हुआ। फिर थोड़ा सा वो पर्सनल टाइम हो गया, हम लोग मस्ती कर रहे थे इंजॉय कर रहे थे, तो कोई शूट नहीं हुआ। और थोड़ा सा ना पेट में मेरे दर्द हो रहा था, तो मैंने शूट करने का यार मन भी नहीं कर रहा था सच बताऊँ तो, क्योंकि 5-6 दिन से मैं शूट नहीं कर रही थी ना, तो फिर मेरे पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा था तो मैं शूट नहीं कर पा रही थी। और उसके बाद फिर आती है कितनी तारीख, 9 तारीख को मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, फिर हम डॉक्टर के पास गए। 9 तारीख ऐसे हो गया, 10 तारीख को फिर 9 तारीख को छोटी वाली होली भी थी। सो 9 तारीख को भी मेरा एक छोटा सा शूट है जब मैं जा रही थी, मैंने सोचा था कि आज ब्लॉग स्टार्ट करूंगी बट फिर हो ही नहीं पाया, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हो गए 9th of March और मेरा 2-3 दिन से कोई ब्लॉग नहीं बना, वरुण आ चुके हैं। हाय। सो अभी हम लोग जा रहे हैं एक रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ना मेरा हल्का सा पेट में ब्लोटिंग हो रही है, हल्का सा पेन हो रहा है, तो जस्ट एक रेगुलर चेकअप है। ऑलरेडी मैं चेक करा चुकी हूँ बट अभी थोड़ा ना अल्ट्रासाउंड कराना है मुझे, सो वहाँ चलते हैं और एक बार देखते हैं क्या बोलती है डॉक्टर। और आज है छोटी होली, सो विश यू वेरी हैप्पी होली, छोटी वाली हैप्पी होली सभी को। और कलर से यार कोई मत खेलना, मैं बिल्कुल नहीं खेलने वाली हूँ इस बार, एक तो वैसे भी स्किन को आपको इतना डैमेज करता है, ऊपर से इतना वायरस चल रहा है इस टाइम, तो डोंट प्ले विथ कलर्स। और वेदर भी ठंडा है तो पानी से तो बिल्कुल मत खेलना, हल्का सा गुलाल से खेल सकते हो। चलो फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। एंड फिर 9 तारीख को छोटी होली थी, 10 तारीख को थी फिर बड़ी वाली होली, तो हम लोगों ने होली भी ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं खेली, क्योंकि एक तो ठंड इतनी हो रही है ऊपर से वायरस आ रहा है, तो वायरस की जैसे हम लोग बाहर गैदरिंग में कहीं गए नहीं, और ठंड भी हो रही है, मेरे को थोड़ा सा कोल्ड भी हो रहा था एंड पेट में ब्लोटिंग हो रही थी, तो फिर नो होली बस हल्का सा गुलाल लगा लिया दैट्स इट। तो 10 तारीख को इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं बना। और 10 तारीख को फिर मैं अपने वरुण अपनी बुआ जी उफा जी के गए थे, मतलब मैं उनकी बुआ जी उफा जी के हम लोग गए थे 10 तारीख को। और फिर 10 तारीख को क्या हुआ कि हम लोग वहीं से मतलब वहां से हम लोग फिर आए, हम लोगों ने केक पिक किया एंड मैंने ऑर्डर पहले दे हुआ था, क्योंकि बड़ी होली थी ना तो पूरे दिन हम मिल्क बार नहीं खुला था, तो मैंने अपनी बर्थडे का जिस दिन केक लेने आई थी उसी दिन ऑर्डर दे दिया था, तो मिल्क बार खुला था शाम के टाइम पर। तो जस्ट मैं आई एंड मैंने केक पिक किया और फिर हम लोग चले गए मौसी के मेहुल का बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, और वहां पर मम्मी ताऊ जी भी थे, तो वहां पर मम्मी हम लोग मैं मम्मी और मौसी मेहुल ऑब्वियसली उनका घर है तो वो रुके थे, और वरुण हम 5 लोग रुके। फिर मतलब कल रात थी, कल था 10 तारीख और आज 11 तारीख है, कल रात हम सब लोग वहाँ पर रुके। देन हम लोगों ने काफ़ी सारी मस्ती की मजे किए, और उसका भी छोटा सा क्लिप है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी बर्थडे सेलिब्रेशन का मेहुल के। तुमने सही ड्यूटी लगाई भैया, फ्रूट्स काट के खाना, केक तो हाथ से खिला रहे हो, फ्रूट्स उठा के खिला दो दूसरे को, फ्रूट्स ऊपर रख के, हाँ इससे हाथ भी गंदे नहीं होंगे। चम्मच चम्मच ले लेना, चम्मच ही फल उठाता, एक संतरा खिला लो, एक चम्मच चम्मच ले, एक फल खिला लो। और हम लोगों ने कार्ड्स खेले। देन फिर आज मॉर्निंग, आज हो गई 11 तारीख, और आज मॉर्निंग में हम लोगों की 9 बजे की बस थी, तो बस में बैठ के हम लोग सीधे नोएडा। तो ये मेरे 5 दिन कुछ इस तरीके से निकले, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, कोई व्लॉग नहीं बन पाया यार, सो सॉरी। और आप लोगों की होली कैसी रही, मुझे बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स आए, होली बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी रही, वाह दैट्स सो कूल ना, मुझे होली का बहुत शौक है बट इस साल नहीं खेल पाई, तो कोल्ड मेरा थोड़ा सा एक चेंज हो रही है ना प्लेसेस बार बार, और वेदर भी चेंज हो रहा है इसलिए थोड़ा सा डगबग डगबग कोल्ड चल रहा है, मतलब कोल्ड वैसे नहीं है बट थोड़ा सा चल रहा है।
सो बस ये रहा। और आज से फिर नोएडा आ गए, फिर अभी मुझे पूरा घर सेट करना है। आज तो ऐसा कुछ नहीं हो पाया, थोड़ा बहुत ही हुआ सेटअप, स्टार्टिंग हुई। कल से वही सब घर सेटअप करना, मैगी खा लो पहले, ठंडी हो जाएगी वरना। चलो रूम में चलते हैं, मैं बातें करेंगी, गैस को स्लो कर देते हैं। सो चलो रूम में चलते हैं। और ये बनाई है मैंने गरम गरम मैगी, आप लोग भी खा लीजिए। मुझे काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं आपके डार्क सर्कल्स कम हो गए हैं। सो सीरियसली मेरे डार्क सर्कल्स कम हो गए हैं। वैसे आज मैंने अभी मॉर्निंग से अपना फेस वॉश नहीं किया, इसलिए थोड़ा सा लग रहे होंगे। वैसे कम हो गया, किस चीज़ से कम हुआ है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहले मैगी खा लेती हूँ, फिर शेयर करती हूँ। मैंने इतनी छोटी सी प्लेट में मैगी ली। अच्छा देखो ये लोअर कितना अच्छा लग रहा है ना इसका, इसके पूरे पे लिखा हुआ है लव पीस जो है वो बहुत गर्म प्लेट है। मैंने इतनी छोटी सी प्लेट में मैगी लिया क्योंकि ना मुझे बड़ी प्लेट एक बार क्लीन करनी पड़ती है। कौन कौन मैगी लवर है पता है, मैं बिल्कुल मैगी नहीं खाती थी पहले, बट अब मुझे मैगी अच्छी लगती है। मतलब कभी कभी, हमेशा नहीं, बट हाँ कभी कभी ये रहती है टेस्ट के लिए मैगी होनी चाहिए। और वरुण बहुत अच्छी बनाते हैं, बट अभी वो काम कर रहे हैं इसलिए उनको खाने भी नहीं, उन्होंने बनाई भी नहीं। वरना वरुण क्या करते हैं, जीरे में ऐसे पूरा जीरा में छोंकते हैं और प्याज डालते हैं, हरी मिर्च डालते हैं, बहुत टेस्टी मैगी बनाते हैं वो, बहुत ज़्यादा टेस्टी। बट कोई बात नहीं, मैं बनाती हूँ बिल्कुल प्लेन। मेरे को वेजीज वाली मैगी बहुत कम पसंद है, जैसे कि मटर एंड गाजर डालते तो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ना प्याज और मिर्च की फिर भी खा सकती हूँ, बट वेजीज वाली बिल्कुल नहीं खा सकती। मुझे प्लेन मैगी ज़्यादा बेटर लगती है, इतनी ज़्यादा गर्म है अभी तो। तो अभी मैं आ गई हूँ कपड़े निकालने के लिए, मतलब जो मेरा ट्रॉली बैग आया था, जो दो बैग हैं मेरे अभी आए थे तो उनको मैं निकालने आ गई हूँ। कुछ गंदे कपड़े हैं, कुछ क्लीन हैं, तो वो सब मिक्स मैच हो रहे हैं और बहुत सारा सामान है। तो मैंने सोचा अभी इसे निकाल के ना सेट कर देते हैं, क्योंकि धीरे धीरे मैं निकालना शुरू करूँगी तब ये पूरा सेट हो पाएगा। कहने को ये एक बैग होता है बट इसमें इतना सामान होता है यार, इतना सामान होता है, ऑर्गेनाइज करने में से पूरा एक दिन लग जाता है। और अभी घर थोड़ा ठीक है क्योंकि कल सुबह से मुझे क्लीनिंग पूरे स्टार्ट करनी है, तो मैंने सोचा कि आज से ये काम शुरू हो जाएगा अगर तो आलस नहीं आएगा करने में। और मैंने मशीन लगा दी थी, और आप ट्रस्ट नहीं करोगे यार, इतने कपड़े मैंने धोए हैं। मैं नेक्स्ट डे आप देखना कल के ब्लॉग में कितने कपड़े धुले हैं। फिर काम बढ़ते ही जाता है, अभी समेट जाएगा धीरे धीरे करके, तो फिर समेट जाएगा। अगर मैंने अभी छोड़ दिया, आलस कर दिया, तो फिर ये हाथ ही नहीं आएगा काम। घर का काम ऐसा होता है, अगर आप अगर हाथ में लेकर रखो समेटते रहो तो समेट जाएगा, वरना फिर मतलब बड़ा मुश्किल है। और पता है ये कीड़ा भी होता है, मुझे ऐसा लगता है जिसे ना थोड़ा होता है कि हाँ भाई मुझे करना है घर का काम, तो उसके लिए काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है। बट कुछ लोग मैंने देखा है कुछ काम करते ही नहीं है, पता है कैसे उनके घर में काम हो जाता है, क्या करते हैं, किस तरीके से रहते हैं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। मेरा तो बहुत गंदा कीड़ा है कि यार करते रहना, ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, पता नहीं किस किस में ऐसा कीड़ा यार। बैग में से बैग ना तो क्योंकि दो बैग में ऐसे हो रहे थे गंदे कपड़े और ये सब मिक्स हो रहे थे, तो मैं वॉश करने के लिए कपड़े निकाल रही थी और उसमें मुझे मिला एक बैग। मैं अभी कुछ टी शर्ट्स और अपने लिए वरुण के लिए ऐसे लेकर आई हूँ डेली पहनने के लिए नॉर्मली, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ क्या क्या लेकर आई हूँ। एक तो ये देखो लड्डू गोपाल की ड्रेस, और ये ड्रेस दी है मौसी ने, जिनके घर शादी थी ना तो उन्होंने लड्डू गोपाल को मेरे को ये ड्रेस दी है। बहुत सुंदर ना कॉटन की ड्रेस है, बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है। सेम थी, एक स्काई ब्लू कलर था, एक ये वाला कलर था, तो ये मैंने मम्मी को दे दिया लड्डू गोपाल को स्काई ब्लू, और ये मैंने ले लिया। और मैं दिखाती हूँ मैं क्या भी लेकर आई हूँ, छोटी छोटी टी शर्ट्स लेकर आई हूँ मैं, मतलब छोटी छोटी डेली पहनने के थोड़ी सी ना टी शर्ट्स लेकर आई हूँ, क्योंकि गर्मियों में डेली पहनने के टी शर्ट सही होती हैं। तो ये मैं लेकर आई हूँ वरुण के लिए, और ये मैं लेकर आई हूँ सारी टी शर्ट्स विशाल से, सारे जितने भी कपड़े सब विशाल से लेकर आई हूँ। कलर स्कैप डार्क ब्लू है, तो एक ये लेकर आई हूँ, एक मैं वरुण के लिए लेकर आई हूँ ये वाली टी शर्ट, ये वाली, इसका कलर बहुत अच्छा है। इसमें ना कलर रंग से कैप्चर नहीं कर रहा है, डार्क ग्रीन लग रहा है, बट ये बहुत ही लाइट वाला ग्रीन है, बहुत ही लाइट वाला ग्रीन।
सो एक ही लेकर आई हूँ, एक में लेकर आई हूँ उनके लिए ये वाली टी शर्ट, ऑरेंज शेड में है ये। और ये कोई भी टी शर्ट ना बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, ये सब घर में पहनने की है, और मुझे ना एक बार वॉश करनी है सारी, क्योंकि हम लोग परसों ही लेकर आए थे, तो एक बार सारी वॉश करूंगी। और एक लेकर आई हूँ ये वाली, तो मैं वरुण के लिए चार ही टी शर्ट लेकर आई हूँ। एक ये वाली है पीछे से सिंपल प्लेन और आगे से इस टाइप की, तो चारों डिफरेंट कलर है, और ये चारों कलर ही वरुण के पास इतने ज्यादा नहीं है, तो ये वरुण के लिए लेकर आई हूँ। और अपने लिए मैं लेकर आई हूँ ये वाली टी शर्ट, और ये मुझे 1+1 पर मिल गई थी, तो मैंने दो टी शर्ट लेनी। एक तो ये वाला कलर है ऑरेंज, इसका जो कपड़ा है ना वो बहुत ही अच्छा है, और इसमें जो प्रिंट है वो थोड़ा सा लाइनिंग लाइनिंग इस तरह का पैटर्न है। और एक लेकर आई हूँ स्काई ब्लू कलर, और दोनों ही जो कलर है वो समर के लिए बहुत अच्छे हैं, स्काई ब्लू वाला भी और ऑरेंज सा भी। तो ये 1+1 पे थी, तो अपने लिए दो टी शर्ट लेकर आई हूँ, और साथ में हैंकी लेकर आई हूँ वरुण के लिए, क्योंकि गर्मी आ रही है। तो ये 99 के 3 है, प्लस का भी 1+1 मिल गया था मुझे, तो ये 6 हैंकी है वरुण के लिए लेकर आई हूँ। और अपने लिए मैं एक शर्ट लेकर आई हूँ, शर्ट का जो कलर है ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा कलर लग रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसा लग रहा है, मुझे ना इस टाइप की शर्ट्स बहुत पसंद है, और ये किसी भी जीन्स पर पहनने के साथ या ट्राउजर पर पहनने के साथ बहुत अच्छी लगेगी, तो इसका कलर मुझे बहुत सही लगा था। एक ये लाई हूँ, और लाई हूँ मैं क्या, और मैं एक ये लेकर आई हूँ, ये भी एक शर्ट है, और इसका भी कलर अच्छा लग रहा था। आई थिंक ये वाली तो है कॉलर वाली, और ये कॉलर वाली नहीं है, ये ना इसे वी गले में जो शेप होती है ना वो वाली है। कलर भी अच्छा लग रहा है ना, मुझे बड़ा अच्छे लगते हैं इस टाइप के कलर और इस टाइप की शर्ट्स, और लाइनिंग पैटर्न में है दोनों, वो भी लाइनिंग में ये भी लाइनिंग में, तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो ये दोनों शर्ट हो गई, और मैं अपने लिए लेकर आई हूँ एक टी शर्ट ये वाली, ये सिंपल वाइट प्लेन ऐसी। सो बस क्योंकि घर में पहनने के लिए गर्मियों में चाहिए चाहिए, आप बाहर जा रहे हो मतलब पार्क में जा रहे हो कहीं भी जा रहे हो तो टी शर्ट्स होनी चाहिए। तो मैं 3 टी शर्ट आई हूँ अपने लिए, 2 शर्ट आई हूँ, और वरुण के लिए 4। टी शर्ट लेकर आई हूँ। सो बस ये मुझे भी मिला था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक बार शेयर तो करना बनता ही है, तो मैं कुछ लेकर आई हूँ। तो और अभी हम लोग चलते हैं मशीन लगाने के लिए, थोड़े से कपड़े धो दूँ, वैसे तो काफी लेट हो गया है, बट इससे थोड़े से कपड़े वॉश कर देती हूँ। सामान जो मैं लगा देती हूँ, मेरा ना नींबू का चार खत्म हो गया था, और हम बहुत बड़े नींबू के चार के लवर हैं, तो मम्मी से वाओ नींबू का चार लेकर आई हूँ मैं ये रख के। और अभी मेरे पास जगह नहीं थी ज़्यादा, तो मैं छोटे से डिब्बे में लेकर आई हूँ, और हम मम्मी जब आएंगे तो वो बड़े डिब्बे में लेकर आएंगी, सो वो लेकर आया। और ये नमकीन नहीं है, इसमें है, इसमें है गुजिया। मैं बहुत ज्यादा मुझे नहीं लेकर आई हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा नहीं खाते हैं, तो शायद 15 या 18 पीस हैं, और मैं ऐसा अभी हैंड वॉश करके इसे डिब्बे में दूसरे में रिफिल करूंगी। सो ये गुजिया हो गई, एंड इसमें नमकीन है, इसमें आधी नवरत्न है आधी आलू भुजिया है, मतलब आधी वाली है आधी वाली है, दोनों मिक्स है अलग अलग पार्टीजनों के। तो नमकीन है, और ये चीज बाइट्स जो होते हैं ना ये मुझे पसंद नहीं है, बट ये वरुण को पसंद है, तो ये मौसी के पास थे तो वरुण ले आए, मतलब मेहुल ने कहा था तो मौसी ने कहा कि वरुण खाते हैं, वरुण को अच्छे भी लगते हैं, तो फिर वरुण ले आएंगे खा के। और ये कोल्ड ड्रिंक क्योंकि मैं कल ले गई थी और फिर कल पी नहीं गई, तो मैं उठा गई अपने पास, क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक लवर भी हूँ आपको बताइए सबको। और साथ में लेकर आई हूँ मैं एक बॉटल में घी, और घी में और लेकर आने वाली थी, ये दिया है मुझे मौसी ने, घी में और लेकर आने वाली थी पर जगह नहीं थी ना, तो मम्मी आएंगी तो वो लेकर आएंगी, मौसी ने मुझे घी दे दिया, वैसे पास थोड़ा सा घी रखा भी हुआ है, और मेरे पास ना मलाई भी रखी हुई है घी के साथ साथ, तो मुझे बहुत ही जल्दी इस मलाई का घी निकालना है। मलाई भी मेरे पास ठीक ठाक सी पड़ी हुई है, आप देख लो ना। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं घी कैसे निकालती हूँ उसकी रेसिपी तो नहीं मतलब, लेकिन एक वो शेयर करूँ तो मुझे ना कॉमेंट करना, वैसे मैं ऑलरेडी पर शेयर किया हुआ है, बट आप लोग चाहते हो फिर से कि मैं घी किस तरीके से निकालती हूँ बहुत जल्दी बहुत क्विकली, तो मुझे कमेंट डाउन बिलो। और पहले मुझे तो घी निकालना नहीं आता था शादी से पहले, बट अब मैंने इस तरीके से निकालने लगी ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है घी निकालना, मुझे आ भी गया, बहुत जल्दी भी निकल जाता है, तो कमेंट करना मैं निकालूंगी तो शेयर करूंगी। तो ये सब ऑर्गेनाइज करते हैं, एक एक करके इतना सारे सामान खाली करना पड़ रहा है, इतना सारा सामान इकट्ठा हो गया ना, कपड़े लग रहा था पहले 3-4 कपड़े हैं, मतलब
दस बारह कपड़े हैं, बट अभी जब निकल रहे हैं ना तो बहुत सारे, क्योंकि वरुण यहाँ पर अकेले थे तो उनकी शर्ट्स गारमेंट्स एंड ऑल बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हुए, टी शर्ट लोअर बरमूडा बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हुए, तो वो सब वॉश करने हैं। और मैं सोच रही हूँ कि आज ना मैं रात में वॉश अगर कर लूँगी तो मेरी जो बालकनी है वो क्लीन हो जाएगी, और कल मेरी मेड आएगी इतने बजे 1 बजे, तो मैं सोच रही हूँ तब बालकनी वो क्लीन कर देगी। अगर मैं दोपहर में वॉश करूँगी ना तो फिर बालकनी फिर गंदी हो जाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है क्लीनिंग करवाने का। तो जल्दी से कपड़े वॉश कर लेते हैं, जो ऊपर ऊपर के काम है वो ख़त्म कर लेते हैं। ऐसे होता है ना कहीं से आने के बाद आपके 2 या 3 दिन तो कहाँ जाते हैं पता ही नहीं चलता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में लग जाता है, मतलब एक लाइफस्टाइल को फॉलो करने में इतना टाइम लग जाता है। कपड़े समेटने, अभी तो सारे वॉश हो गए हैं, कल वो फोल्ड होंगे, देन वो आयरन होंगे, तो ऐसे 2-3 दिन निकल जाएंगे। उसके बाद एक रूटीन में आती है लाइफस्टाइल कि हाँ भाई अब हमें पर्टिकुलरली यही वाला चीज़ है जो डेली करनी है। और कहीं जाने से पहले होता है कि ये ख़त्म करना है, ये ख़त्म करना है, सारी चीज़ ऑर्गेनाइज करके जाते हैं, स्टिल जब वापस आते हैं ना तो दोबारा से ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है। कुछ इसी तरीके से होता है मेरे साथ, आपके साथ भी होता है क्या? मेरे जो बर्तन है ना, अब मैं बताऊँ क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास एक बास्केट है बर्तन रखने की, और मुझे कुछ लोगों ने कहा कि मैं यहाँ पे स्टैंड लगवा लूँ, बट स्टैंड हम लोग नहीं लगवा रहे हैं यार, क्योंकि रेंट का घर है तो इतना ड्रिल नहीं कर सकते हैं फर्स्टली, और सेकेंडली मुझे लगता है कि हम 2 लोग रहते हैं, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि हम बर्तन बहुत सारे निकालें, तो मैं इसमें मैनेज कर लेती हूँ। और जो मेड है ना वो सुबह आती थी 6:30 बजे वरुण का टाइम, वरुण के पास सुबह, तो वो बर्तन उठ के जाती थी, अब उसने क्रॉकरी स्पून प्लेट सब बड़े बड़े बर्तन सब ना उस बास्केट में भर दिए, उस बास्केट की इतनी गंदी हालत हो गई ना, सब मिक्स मैच हो गया है, तो मुझे वो पूरा खाली करना है, वो सब ऑर्गेनाइज करना है। मतलब स्पून स्टैंड में ना कभी मेरी स्पून मिलती नहीं है, वो ना नीचे पूरा रख जाती है, तो मुझे वो सब करना है, वो सब मैं करूँगी कल। मतलब एक एक चीज़ मैं लेके रह रही हूँ। आज मैं सोच रही हूँ कि कपड़े वॉश हो जाएं बेसिकली, और जो मैं बाहर से ग्रोसरी थोड़ी सी शॉपिंग करके लाई हूँ वो ऑर्गेनाइज हो जाए, और मतलब इतना हो जाए पहले तो, और डिनर की प्रिपरेशन हो जाए, इतने सफिशिएंट है। बाकी कल सुबह से फिर स्टार्ट करूँगी, क्योंकि आज मैंने थोड़ा सा रेस्ट भी लिया, ट्रैवल करके अभी आए थे, इतने दिन से थकान भी हो रही थी, तो थोड़ा सा रेस्ट लिया। चलो अब ड्रायर करते हैं कपड़ों को, मशीन की आवाज़ आ गई। के कपड़े मैंने सुखा दिए हैं और मैंने अभी दोबारा ड्रायर के लगा दिए हैं, और अभी ना मुझे लगता है 2 या 3 राउंड और लग जाएंगे मशीन के, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है मुझे कपड़े धोने में। सोचा नहीं था इतना टाइम लग जाएगा, बट बहुत ज़्यादा कपड़े निकल आए हैं, बहुत सारे कपड़े मेरे निकल आए हैं, पर उनके निकल आए अभी बाहर पड़े हुए हैं, और पूरा 2-3 स्लॉट बाहर पड़े हैं, 2 स्लॉट अंदर पड़े हैं, 1 स्लॉट अंदर रूम में पड़ा है, तो बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। वरुण के ना ऑफिस में होली का फेस्ट भी था, तो वरुण वहाँ कुर्ता पजामा पहन के गए थे, तो वो पूरा गंदा हो गया, वो मैंने अभी देखा है, मेरे को पता भी नहीं था, पूरा कलर में बड़ा कुर्ता पजामा हैंकी एक फेस टाल, बहुत सारे कपड़े भी होली वाले पड़े हुए हैं। सो आज मैं रात में कपड़े धोने वाली हूँ, ऐसे ही जाने वाली है मेरी। और पता है क्या हुआ, मैं अभी तक ना बहुत सही बेहतर था, जब मैंने कपड़े धोना स्टार्ट किया था ना बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी, और जब से मेरी मशीन लगी ना हवा चलना स्टार्ट हो गई है। अब मुझे लग रहा है ना कि अगर ज़्यादा मौसम है मुझे चेंजेस लगेंगे ना, मैं तो कपड़े अंदर डाल दूंगी, वरना रात में कपड़े यहाँ डालो सुबह कपड़े गायब सारे, तो कपड़े अंदर डालूंगी, अगर कपड़े अंदर डालने पड़ गए तो और ज़्यादा काम बढ़ जाएगा मेरा, पूरे सारे की मैनेज करना पड़ेगा, थोड़े से गीले कपड़े होते हैं, मैंने सोचा था कि रात में डाल दूंगी सुबह धूप निकली कि सूख जाएंगे भाई काम खत्म, बट मुझे ना काम डबल होने वाला है, कपड़े रात में अंदर सुबह फिर बाहर, पता नहीं क्या होने वाला है। चलो देखते हैं, मैं ब्लॉग खत्म करती हूँ क्योंकि बहुत लंबाई वाला ब्लॉग हो गया है। अगर मैं कुछ स्पेशल करूंगी अभी डिनर में तो मैं नया ब्लॉग स्टार्ट कर लूंगी, वैसे मुझे लगने नहीं वाला, मैं बस आज कपड़े धोने वाली हूँ। सो चलो ब्लॉग खत्म करते हैं, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, छोटा सा नहीं थोड़ा बड़ा सा, और बहुत दिन बाद ब्लॉगिंग की, बड़ा मजा आया, मुझे खुशी देख रही हूँ एकदम, ऐसी वाली खुशी हो रही है, बहुत दिन बाद ब्लॉगिंग करके ना बड़ा मजा आया। नाइट सूट कैसा लगा कमेंट करना, लिंक आपको इसका मिल जाएगा नीचे, चेक जरूर कर लेना। और ये शायद 850 या मतलब 850 से 900 के बीच में था, बहुत कंफर्टेबल है बहुत, और थोड़ा सा ना लूज है तो बहुत इजी, और इस सीजन के लिए ना ये वाली सबसे बेस्ट है। वैसे आप इसे ना समर में भी पहन सकते हो, विंटर में भी पहन सकते हो, और मानसून में भी पहन सकते हो, तीनों के लिए मुझे बड़ा ईजी लगा,
और कॉटन में ही फैब्रिक है शायद, तो कॉटन तो नहीं है मुझे नहीं पता, बट लेकिन अच्छा फैब्रिक है, मतलब आपको स्वेटिंग हो रही ना तो भी ठीक है, तो फैब्रिक आप चेक कर लेना एक बार अगर लिंक में देखो तो। चलो फिर ब्लॉग खत्म करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से कल सुबह एक नए वाले ब्लॉग के साथ, एक अच्छे ब्लॉग के साथ, इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, काम वाले ब्लॉग के साथ, नोएडा वाले ब्लॉग के साथ। चलो फिर बाय, गुड नाइट।